फरीद यूनिवर्सिटी नू नवा वाइस चांसलर मिल गया है, नवा वीसी मिल गया बाबा फरीद यूनिवर्सिटी नू, नवा वाइस चांसलर मिलिया है डॉक्टर राजीव सूद नू वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। जल्दी अपनी जिम्मेदारियां भी ओह हुण शुरू कर देंगे। पंजाब सरकार ने दस दिए कि पांच नावां दा एक पैनल राजपाल नू भेजिया सी और ये भी दस दिए कि डॉक्टर राजीव सूद आखिरकार कौन ने 3 सालों के लिए डॉक्टर सूद नू वाइस चांसलर की जिम्मेदारी दी गई है। मैडिकल प्रैक्टिस 40 सालों का तजर्बा है, वख वख संस्थावां दे विच एक अमीर प्रशासकीय अनुभव है, पोस्ट एमसीएच दे विच टीचिंग का 26 साल का तजर्बा, 12 साल प्रोफेसर वजो तजर्बा है और 5.5 साल तो PGIMR दिल्ली के डीन, ABVIMS दे 1 साल तो भी ज्यादा समय तो फाउंडर डीन, 10 साल तो संसद के नाल यूरो सलाहकार वजो जुड़े रहे ने, 5 साल तो भारत के राष्ट्रपति के यूरो सलाहकार रहे ने और 50 तो वध खोज प्रोजेक्ट दे विच ओह शामिल रहे ने। 1000 थीम्स ते प्रोजेक्टां दी उन्होंने निगरानी की है, सफलतापूर्वक 500 तो भी ज़्यादा वर्कशॉप सिखलाई मॉड्यूल्स का संचालन भी किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि कौमी ते कौमांतरी खोज पत्र प्रकाशित किए ने। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली तो ग्रेजुएशन की है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हस्पताल के PGIMR दिल्ली तो MS यानी कि जनरल सर्जरी पास की है। एम्स नवी दिल्ली तो MCH यूरोलॉजी हासिल की थी। दस दिए कि डॉक्टर राजीव सूद जिन्होंने अहम जिम्मेदारी मिली है, इस तो पहला दस दिए कि गवर्नर नू जो 5 नावां का पैनल बना के भेजा गया सी, इन्हां 5 नावां ते चीफ सकत्तर VK जंजुआ की अगवाई हेठ जो कमेटी सी उसने 5 नावां ते चर्चा की सी, उस तो बाद 5 नावां का पैनल राजपाल नू भेजा गया सी। एक बार फिर तो दस दिए कि 5 नावां ते चर्चा की गई VK जंजुआ दे वालों, उस तो बाद 5 नावां का पैनल जो है राजपाल नू भेजा गया और राजपाल ने डॉक्टर राजीव सूद के नाम से मोहर लगा दी। और ये भी दस दिए कि गवर्नर एक बार पहला जो है फाइल वापस कर चुके ने पंजाब सरकार दे वालों, डॉक्टर गुरप्रीत वांडर पंजाब सरकार दे वालों गुरप्रीत वांडर का नाम जो है सुझाया गया सी राजपाल नू भेजा गया सी, लेकिन राजपाल ने उस वेले इनकार कर दिता सी, फाइल वापस कर दी सी। 8 महीने पहला सरकार ने डॉक्टर गुरप्रीत सिंह वांडर की नियुक्ति फाइल जो है गवर्नर पुरोहित नू भेजी सी, गवर्नर ने फाइल वापस करती सी। पंजाब सरकार तो डॉक्टरों का घट घट 3 मैंबरी पैनल भेजन के लिए कहा सी, उस तो बाद 5 नावां का पैनल जो है राजपाल तक भेजा गया। डॉक्टर राजीव सूद के नाम से मोहर लगी है और दस दिए कि जो पुराने वाइस चांसलर सन राज बहादुर दे वालों अस्तीफा दे दिता गया सी। दरअसल साबका सेहत मंत्री जोड़ा माजरा दे वालों इस यूनिवर्सिटी दे विच अचानक चैकिंग की गई सी, सरप्राइज चैकिंग सी। उस वेले जिस तरह के हालात जिस तरह की व्यवस्था देखी गई तो साबका VC डॉक्टर राज बहादुर उन्होंने इल्जाम लगाए कि उन्होंने गंदे गद्दे ते लिटाया गया सी, उन्होंने इंसल्ट फील की, उस तो बाद अस्तीफा दिता सी। मनोज जोशी साढ़े नाल जुड़ चुके ने। मनोज, 10-11 महीनों बाद आखिरकार वाइस चांसलर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी नू मिल ही गया, लेकिन इस सब दे दरमियान काफी विवाद भी रहे ने, उसका भी जिक्र करो और राजीव सूद किन्ना एक्सपीरियंस है, कितने कितने एक्सपीरियंस है वो भी दसो। जी 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 बिल्कुल, जो डॉक्टर सूद ने वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, 28 साल का तजुर्बा जोड़ा है वो दसा जा रहा है, तो नाल ही यह भी गल की जा रही है कि उन्होंने उदों जो काम किए गए हैं तो संसद के उन्होंने काम किया, उन्होंने बहुत ज्यादा जगह होर कई जगह के उपर सैट किए हैं, प्रोफेसर का भी काम किया है, उस ही उन्होंने लेके जो गल की गई कि उन्होंने 26 साल तक उन्होंने जोड़ा है वो अपने अपने एरिए उन्होंने पढ़ाया भी है, तो उन्होंने प्रोफेसर रहे हैं वो 26 साल तक, 12 साल उन्होंने होर काम किए ने, तो इस काफी मतलब जाने माने जोड़े है वो एक डॉक्टर ने जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी का जरा वाइस चांसलर लगाया गया, जिसकी खोज की जा रही थी,
लेके जो चीफ सैकटरी थे उन्होंने अगवाई देख एक तीन स्पेशल टीम लाई थी उन्होंने एप्लीकेशन मंगी सब दिन बस ने एप्लीकेशन आई चंडीगढ़ के भी डॉक्टर थे बीजे भी थे चंडीगढ़ के मछली भी थे सब ने उन्होंने मतलब की जो पुजा पहुंचिया तो उन्होंने पांच जो नाम से कढ़े गए थे उन्होंने पांच नाम जो सूद ने दिल्ली के पीजे उन्होंने नाम जो हूँ सामने आया है जी मनोज इस क्योंकि काफी जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के जिस वे सबका सेहत मंत्री जोड़ा माजरा के वालों दौरा किया गया अचानक जो हालात सन डॉक्टर राजीव सूद जिन्होंने अहम जिम्मेदारी मिली है किस तरह के बदलावों की या फिर सुधार की उम्मीद की जा सकती है प्राथमिकतावां की रह सकती ने जी जो पहले भी डॉक्टर से उरे वाइस चांसलर से डॉक्टर राज बहादुर वो भी बहुत ही जाने माने मतलब कि ऑर्थोपेडिशियन से उन्होंने पूरे विश्व के बीच जानते थे तो उस दिन जदों जो घटना हुई उस तो आहत होकर उन्होंने अस्तीफा दिता सगा पर जो डॉक्टर सूद की गल करिए तो वह भी बड़े जाने माने से डॉक्टर ने तो जिन्होंने हूँ लगया गया मतलब कि जिस तरह के डॉक्टर राज बहादुर से उस तरह के लैवल के ही डॉक्टर लगाए गए हैं वाइस चांसलर लगाए गए हैं जो वाइस चांसलर लगे हैं उन्होंने मकसद एक ही होंगे कि जो सारी व्यवस्था हैगी अच्छे तरीके करना जो जिन्हें भी उन्होंने अंडर कॉलेज जाएंगे उन्होंने एजुकेशन स्तर उपर चकना क्योंकि इन्होंने सब तो जो सूद ने उन्होंने सब तो बड़ी गल है कि उन्होंने 26 साल तक तकरीबन तकरीबन जोड़ा है वो एज ए प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने मतलब कि अपना है पढ़ाया है तो उन्होंने वो जो तजर्बा है वो अज जे सी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हैगी है ये जो स्टूडेंट्स है उन्होंने मिलना तय है जिस तरह कि पहले आप राज बहादुर उन्होंने गल करते उन्होंने भी बहुत बड़ा तजर्बा है गवर्नमेंट कॉलेज में चलाने वास्ते मैडिकल कॉलेज चलाने वास्ते वो तजर्बा उत्थे काम आया तो बहुत देर तक लगे रहे हैं तो हूँ भी जो छड़िया तो उन्होंने एक मतलब कि छड़न की जी नौबत आई है तो उन्होंने अपने आप अस्तीफा देकर छड़िया किसी ने उन्होंने हटाया नहीं तो पर जो डॉक्टर सूद ने उन्होंने गल भी उन्होंने तुलना की जाएगी वह देखा आने वाला टाइम पता लगेगा कि वह डॉक्टर राज बहादुर की जी भरपाई हैगी कर पाते हैं नहीं कर पाते पर जे उन्होंने पूरे एक्सपीरियंस में देखा जाए तो बहुत ही वधिया डॉक्टर माने जाने तो वाइस चांसलर जो है साढ़े यूनिवर्सिटी फरीद यूनिवर्सिटी मिले हैं वो बहुत ही अच्छे जो जाने माने पढ़े लिखे जो है वह डॉक्टर मिले हैं जी गगन बिल्कुल क्योंकि जिस तरह के सारे ही जानते हैं कि 10-11 महीने का इंतजार करना पड़ा नवा VC हुण जाके मिले लेकिन इन्हें 10-11 महीनों के दौरान काफ़ी कुछ काम पेंडिंग रहे होंगे जाहिर जी गल है कि जिम्मेदारी संभालते ही काफ़ी कुछ बहुत तेजी के नाल करना पड़ेगा डॉक्टर सूदरू जी बिल्कुल जो वाइस चांसलर नहीं होने के कारण काफ़ी काम बिल्कुल तुसी जो गल कह रहे हैं यह संभाविक है कि बहुत सारे काम जो पेंडिंग होंगे या उन्होंने चांसलर कोर से बल्कि परमिशन लेनी पैंती है या किसी होर जो है नियुक्त किए उन्होंने तो लेनी पैंती है पर जो बहुत सारे काम जो रेगुलर वाइस चांसलर होंगे उन्होंने थ्रू ही होने होंगे क्योंकि जो जो वाइस चांसलर लगाया जाता तो वह एक तरह का लगा यूनिवर्सिटी का मालिक होंगे जो उन्हें पूरे जो कॉलेज उन्होंने संबंधित जो प्रोफेसर उन्होंने संबंधित सब की गल सुननी होंगी उन्होंने वास्ते उन्होंने हर चीज़ का प्रबंध करना होंगे चाहे वह आर्थिक की गल हो चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर की गल हो हर पास उन्होंने काम करना पर हूँ जो वाइस चांसलर मिल गए हैं इन्ने महीनों बाद तो यह जो है यूनिवर्सिटी जी है अपनी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी वो संबंधित जो कॉलेज ने चाहे प्राइवेट ने चाहे सरकारी ने उन्होंने सबन हूँ फायदा होगा तो उन्होंने जीडिया आने वाले जो टाइम के जो कमियां है वो इन्हों डॉक्टर सूद में पूरी करनी पैनगियां तो उत्थे जे लोगों की समस्या है वो सारिया हूँ सुन के अपने हिसाब से पूरी व्यवस्था का प्रबंध करेंगे जी बिल्कुल हालांकि एक बड़ा सरसरी थोड़े कोई इनफॉर्मेशन है तुम मोबाइल देख रहे हो कोई खास इनफॉर्मेशन आई है थोड़े को मनोज हाँ जी मैं ये दस रहा था कि जिहड़े ये डॉक्टर सूद ने इन्होंने 10 साल तक जिहड़े हैगे आ ये जिहड़ी संसद अपनी पार्लीमेंट है वो भी सलाहकार रहे हैं और 5 साल तक जिहड़े राष्ट्रपति ने अपने उन्होंने भी सलाहकार रहे हैं बड़ी गल है कि एक बड़े रिनाउंड जिहड़े बंदे ने डॉक्टर ने साडी यूनिवर्सिटी के पंजाब के आए ने तो मैं ये इनफॉर्मेशन से पढ़ रहा था थोड़ा यह दस रहा जी बहुत बहुत शुक्रिया इनफॉर्मेशन साझी करने के लिए एक सवाल और सरसरी जहाँ सवाल करूँगी क्योंकि डॉक्टर सूद ही नियुक्ति हो चुकी है और यूनिवर्सिटी के नियुक्तियों लेके कुछ होर भी बदलाव देखने मिल सकते हैं या फिर हुण डॉक्टर सूद नूं जिम्मेदारियां मिलनगियां पूरी कमांड संभाल लेंगे मनोज दोबारा तो संपर्क करने की कोशिश करांगे एक बार फिर तो दस दिए कि 3 सालों के लिए डॉक्टर सूद नूं वाइस चांसलर की जिम्मेदारी मिली है और आखिरकार डॉक्टर सूद है कौन तजर्बा की रहा कितना एक्सपीरियंस है इन्हों लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं डॉक्टर सूद मेडिकल प्रैक्टिस 40 साल का तजर्बा है डॉक्टर सूद नू मेडिकल प्रैक्टिस 40 साल का तजर्बा है सोचो जरा 40 साल एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इन्हों जाहिर जी गल है कि राज्यपाल के वलों भी पूरी इन्होंने उत्ते भरोसा पूरा जाहिर किया गया कि अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी निभा पाएंगे।